इंदौर के कृष्णबाग कॉलोनी के मकानों पर क्रॉस और एस के निशान लगाने पहुंची प्रशासनिक टीम को देख स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। फिर क्या था, स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये लोग यहाँ पिछले 20 साल से रह रहे हैं, ऐसे में यह अवैध कैसे हुआ। हमें यहाँ 20 साल हो गए रहते हुए, अभी तक कोई आपत्ति नहीं हुई है। अब 20 साल बाद हमारे पास नोटिस आ रहे हैं कि आप ये कॉलोनी खाली करो, ये जगह हमारी है। अभी हमने मकान बनाए, प्लॉट बनाए, अभी तक कोई भी आपत्ति नहीं आई, कोई किसी ने आके हमको कुछ भी नहीं बोला है। और प्रशासन की तरफ से हमें बोल रहे हैं कि ये जगह खाली करना है और ये तोड़ा जाएगा। एस मतलब स्टे और क्रॉस मतलब खाली करना, तो अधिकतर सारे क्रॉस वाले ही है और स्टे भी 4 से 6 दिन का मिला है, जिससे हमें कोई मतलब संतुष्टि नहीं है मन में। आज निकल वो हमारे भी टूटने ही है सारे। कितने मकान है यहाँ पर? यहाँ पे 250 मकान है सर। इसमें कितने लोगों को ये इस टाइप से ये बोल रहे हैं खाली करने का? सारे मकान खाली करने का कह रहे हैं सर। क्या है कि टोटल 180 मकान है, 180 मकान में से 100 लोगों को तो नोटिस मिल स्टे मिल चुका है भैया जी। बाकी लोगों का स्टे विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई परसों है। तो वो जो जिनको स्टे मिल गया उन पे एस लगा गए और जिनको स्टे नहीं मिला उन पे क्रॉस लगा गए, लेकिन उनमें भी कई जगह गलती करके गए। आपने अपना पक्ष विधायक महोदय के पास रखा, मंत्री महोदय के पास रखा, महापौर जी के पास रखा, वहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? हाँ, सब जगह अपना पक्ष तो रखा है भैया, लेकिन वहाँ से बस यही बोल रहे हैं कि कल कोर्ट का आदेश है, जितना समय हो सकता है उतना समय मिल पाएगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि कलेक्टर साहब मानने को तैयार नहीं हो रहे। दरअसल हाईकोर्ट ने इसे अवैध बताते हुए यहां के मकानों को तोड़ने का आदेश दिया है, जिसको लेकर प्रशासन काफी गंभीर है। जिले के कलेक्टर की माने तो जल्द ही अवैध मकानों को तोड़ दिया जाएगा और जमीन खाली कराई जाएगी। डबल बेंच के द्वारा इस सभी को रिमूवल के लिए आदेशित किया गया है। सिंगल बेंच के द्वारा कुछ लोग जो एप्लीकेंट्स थे उनको स्टे दिया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल जितने लगभग 62 लोग थे जिनके खिलाफ बेदखली आदेश पारित हुआ था, जिनके पास में स्टे नहीं है, उनके खिलाफ कल कार्रवाई करी जाएगी। दरअसल इस जमीन को 21 साल पहले न्याय विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने एक बिल्डर को बेच दिया था। इसको लेकर मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। फिलहाल यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जिन मकानों को बनाने के लिए उन्होंने लोन लिया था, वो मकान अगर टूट जाएंगे तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।